भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई खेडां 2023 दे विच सोन तमगा आखिरकार जित लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल दे विच पिछली वार दी एशिया दी चैंपियन जापान टीम नू 5-1 दे नाल शिकस्त दित्ती। इस तों पहलां पूल राउंड दे विच वी भारत अते जापान दी टक्कर होई सी, जिस दे विच भारत ने 4-2 दे नाल जित दर्ज कीती सी। फाइनल मैच दे विच भारत दे वल्लों बहुत वधिया खेड देखण नू मिले। भारत दे सामने विरोधी जापान सिर्फ एक गोल ही करन दे विच कामयाब रहा है। इस अलावा तुहानू दस दईए कि इस गोल्ड मैडल नू जितण तों बाद नाल दी नाल 2024 दे विच जो पैरिस दे विच ओलंपिक खेडां होण वालियां ने उस दे वास्ते वी इस टीम ने क्वालीफाई कर लिया है। मैच की गल करिए तां पहले क्वार्टर दे विच दोवां टीमां गोल नहीं सी कर सकियां। फिर दूसरे क्वार्टर दे विच मैच दे 25वें मिंट दे विच भारत दे वल्लों मैच दा पहला गोल किया गया। मनदीप सिंह ने एक गोल करके भारत नूं 1-0 दी बढ़त दिवाई। इस तरह भारतीय टीम ने मैच दे अद्धे समय तक बढ़त बनाई रखी। फिर तीसरे क्वार्टर दे विच मैच दे 32वें मिंट दे विच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दूजा गोल करके भारत नूं 2-0 दी बढ़त दिवाई। तीसरे क्वार्टर की समाप्ति तो पहला अमित रोहिदास ने भारत लई तीसरा गोल किया। इस तरह भारत ने तीजे क्वार्टर तक 3-0 की बढ़त लैके अपनी जित लगभग पक्की कर ली सी। भारत ने चौथे क्वार्टर दे विच 2 गोल किए और जापान का खाता खुलिया अगले क्वार्टर दे विच। दस दईए कि चौथा क्वार्टर शुरू होने के सिर्फ 3 मिनट बाद ही यानी कि 48वें मिनट के उपर अभिषेक ने भारत लई चौथा गोल किया। इस गोल के नाल भारत ने 4-0 की बढ़त बना ली सी। इस तों अलावा तुहानूं दस दईए इस तों ठीक 3 मिनट बाद यानी कि 51वें मिनट के उपर जापान ने अपना खाता खोलिया और टीम का पहला गोल हो गया। फिर मैच खत्म होने तो 1 मिनट पहला भारत वालों 5वां गोल भी कर दिता गया। 59वें मिनट दे विच कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम लई 5वां गोल करके भारत नू जापान दे खिलाफ 5-1 दे नाल जित दिवा दित्ती। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਦੇਖੇ ਤੋ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਥਾ ਔਰ ਯਹੀ ਇੱਕ ਏਮ ਰੱਖੇ ਆਏ ਥੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੀਤ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਹੋਲ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ ਟੀਮ ਕਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਜ ਕੇ ਮੈਚ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਹਮਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਆ। ਅੱਜ ਸਕੋਰ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਬਟ आई थिंक उनको बहुत कम मौके दिए हैं कि वो हमारे टीम में आके और गोल कर सकें। बिल्कुल, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है तो पूरा टूर्नामेंट जबरदस्त रहा है, तो एक कप्तान के तौर पे आप अपनी टीम से और कोई क्या मान सकते थे? नहीं सर, बेस्ट टीम है सर, क्योंकि जितने भी हमारा कोर ग्रुप है और उन सबका हार्डवर्क है एंड सभी अपना बेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी को वैल्यू पता है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं और क्या हमारे टारगेट्स हैं। तो टीम का बोलूँ तो बहुत अच्छा रहा है और सभी ने अपना 100% दिया है, पूरा एफर्ट दिया है, तो एज ए टीम ही हम खेल के सब जीते हैं सर। और एक सवाल, अब यहाँ से आपके पास पूरा वक्त है ओलंपिक की तैयारी करने का, तो अब पूरा जान लगाने का टाइम आ गया, पूरा क्लियर कट गोल है, कोई क्वालिफायर्स नहीं खेलना, कोई कुछ नहीं खेलना? बिल्कुल, जितना भी टाइम है हमारे पास हम मेक श्योर के हम पेरिस के लिए रेडी रहें एंड जितने भी उससे पहले हम जितने भी टूर्नामेंट्स खेलें उनको अच्छे से एनालाइज करें, वहाँ से सीखें। और क्योंकि एशियन गेम से पहले हम एशियन चैम्पियन ट्रॉफी खेले थे, तो सभी टीम के साथ खेलना, वहाँ से सीखना और यहाँ पे अच्छा फिनिश करना, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और सेम है कि पेरिस में जाने से पहले भी हम जितने भी हमारे मैचेस हैं, जितनी भी बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, तो मेक श्योर कि हम हर एक मैच से वो सीखें और पेरिस में उस चीज़ को अप्लाई। सेकंड गोल इन द पॉकेट, सो रियली हैप्पी, हॉनर्ड, definitely one of the best moments, because I've been through both the situations, playing in the qualifier round and getting a direct ticket to Olympics. So it's two different scenarios, and getting a direct ticket to Paris next Olympics is a great thing. And now we got enough time to prepare, looking into ourselves, prepare for next Olympic Games, and we got that slot to chart the thing. So it's a great feeling for us. And every win is special, but this final win before the match is special, and also the win against Pakistan, because you decimated 10-2, some teams were beaten 16-0, 15-1, that was the score line. So clearly goes to show this Asian Games is not India's victory, it's India's domination. See, it shows that where we are standing in Asia, and how, definitely in world ranking we are on third or fourth, definitely. So that's, it's not luck why we are there. So we wanted to show to the world that why we are there, and in this performance here in Asian Games, I think that cemented it really well.
But definitely ranking or those goals never stands in the world level. When you are looking into Olympic Games, you need to be more stronger, more sharper, and tactically and technically you need to work really hard. So the another 8 months, 9 months, we are going to do that. Bureau Report, World Punjabi TV.